क्या हुआ? बाप ले, ये तो ब्रेक हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है, अच्छे से ना रहे तो। हेलो, ये कौन है सुंदर लड़की? अब तो ना मैक्स को मेरे को लग रहा है मजा आ रहा है, इसको हो रहा बढ़िया मसाज। तो आजा, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं शैली मैम के यहाँ, वहाँ पे एक बार इसका ब्लड टेस्ट वगैरह भी करा लें फाइनल। एंड आई होप सब रिकवर तो हो ही चुका हो, बिकॉज मैक्स काफी एक्टिव हो गया। दिखा दे मक्कू स्पीड, ये गुड बॉय। दोस्तों जब से गुड़गांव आया हूँ ना, आज या मेरा आखिरी दिन है, कलम निकल जाएंगे। जब से गुड़गांव आया मौसम भाई इतना जबरदस्त, इतना प्यारा। अभी भी देख रहे हो आप कैसे बारिश बारिश वाला, ये देखो मक्कू लाला को। और मैक्स ने इतना इंजॉय कर दिया है, इतना इंजॉय कर दिया भाई गाड़ी में घूमना, क्या बताऊँ। और आज भी देखो क्या क्रेजी है इस रोड पे ना भाई, हर दिन हमें तगड़ी गाड़ी दिखती है। देखो सामने कितनी तगड़ी गाड़ी जा रही है, ये थार नहीं है, ये रैंगलर है भाई, तो लाल रंग की, इतनी अच्छी लग रही है ना। जितने बार भी शैली मैम के आता हूँ ना मैं, हमेशा बारिश हो जाती है भाई, पता नहीं क्या सीन है। बाहर नहीं आना गाड़ी को, शामत करो तो बाहर आता है, डरता है ना। अब तो आ देखो मेरा बच्चा क्या पहन के आया, देखो ऐसा फिसलेगा ना क्यों? अरे बाप रे, इतनी फोटो, ओले बाप रे। भाई 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 क्या तूफान आ गया ये, भाई साहब हमारा खाना। इस कैफे में भाई पेट से अलाउड नहीं है तो हम अंदर नहीं जा सकते, तूफान में भी। एंकर ये कैसा रूल है यार। तो हम फाइनली अंदर आ गए भाई, खाना देखो यार, ये वो लग रहा था जो प्रेजेंटेशन देखो क्या सही भाई, क्या बढ़िया। ये देखो हमें कौन मिल गया, अरे कौन सी ऐप दी है, टॉय बॉम्ब। अच्छा यहाँ से देखो, ये देख हेलो। अबे मेरी उंगली में मजा क्या आ रहा है तेरे को? हाँ तो चलो 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 आओ आओ। हेलो, अभी तो मैं बाहर ही हूँ, तो दोस्तों अभी ना 6 बजे हैं और देखो अंधेरा, देखो भाई साहब बिल्कुल पता नहीं खतरनाक ही हो रहा है। बड़ा बिजी दिन होना था आज हमारा, बहुत सारे काम हमारे नहीं हो पाए, कल हमें घर निकलना है तो सुबह सुबह हमें वो काम करने पड़ेंगे। चलो फिलहाल घर जाते हैं, अच्छा मौसम है भाई, इंजॉय करते हैं मौसम को। अब कहाँ मिल रहा है ऐसा मौसम बार बार। गुड मॉर्निंग, सो बड़ी खूबसूरत सी मॉर्निंग है आज, धूप नहीं आ रही, चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी आपको। सो अभी हम रेडी हो रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस पिथौरागढ़, मक्कू को घर वापस लेके जा रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक दो दिन और रुक जाता पर मेरे को ना बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया जिसमें मेरे को जाना ही जाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ। और एल्स मैं एक दो दिन मैम ने कहा था और मॉनिटर कर लेते तो बेटर था, बट अब ठीक है यार, अब जो है वो है, जाना तो हमें बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो मैं जाता नहीं। खैर कल मैम ने ना इसकी नाक से वो स्वैब लिया था, वो क्योंकि हमें शक था कि जोंक ने अंदर जो काटा है ना, क्योंकि अभी देखो क्या है ना, दो चीज़ें हैं, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। अगर इसकी नाक में और जोंक होती, ठीक है, जो अभी भी पॉसिबिलिटी है हल्की सी की हो सकती है, तो इसकी नाक से खून आ रहा होता है ना, जो कि आ नहीं रहा है मैक्स की नाक से खून है ना। मैक्स को बस क्या हो रहा है, मैक्स को आ रही हैं छींकें और मैक्स हो रहा है ऐसे परेशान। सो उसके बाद हमने फिर थोड़ा और स्टडी करा, मैम ने भी थोड़ा और स्टडी किया, तो हमें समझ में आया कि भाई जहाँ पे जोंक काटती है ना, क्योंकि एक महीने से थी वो, तो अंदर जो इतना सेंसिटिव एरिया होता है नाक का, हो सकता है उसने वहाँ पे छोटे छोटे घाव बना दिए हों, जिसका हमें शक है।
और हो सकता है कि वो जो घाव है ना वो इन्फेक्ट हो गए हों। अब ये चीज़ हमें और अच्छे से कैसे पता चली, वो ऐसे पता चली कि कुछ दिनों पहले मैक्स यहाँ पे एक डॉग के साथ खेल रहा था, मतलब खेल गया था, वो डॉगी आया तो मैक्स उसके पीछे भागा और सडनली पुफ करा इसने, और नाक से इसके ना पूरा म्यूकस निकला पूरा, एक मतलब ऐसा नहीं होता नहीं बच्चे की नाक बहती बिल्कुल अंदर से वो निकलता है बिल्कुल वैसा वाइट वाइट पूरा वो निकल गया। तो मैंने मैम को बताया, मैम ने कहा यार अगर म्यूकस बन रहा है इतनी एंटीबायोटिक देने के बाद तो हो सकता है अंदर इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से रिवर्स नीज भी कर रहा है और जनरली स्नीज भी कर रहा है, क्योंकि लंबे स्नाउट वाले कुत्ते ना रिवर्स नीजिंग नहीं करते हैं, बहुत बहुत ही रेयर होता है ऐसा कुछ हो जाए तो। तो मैम ने ना उसकी वजह से वो नाक से वो स्वैब लिया है और स्वैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। अब वो टेस्टिंग में पता लगेगा कोई बैक्टीरिया या जो भी इन्फेक्शन है ना, अगर कुछ होगा डिटेक्टेबल तो पता चल जाएगा, उसके हिसाब से इसकी दवाइयाँ चेंज हो जाएंगी और एल्स इसकी एंटीबायोटिक थोड़ी बहुत बढ़ा दी हैं। चढ़ जाओ जा। ये जब ये आया था ना, जब ये आया था ब्रो ये कूद नहीं पा रहा था, पता है इतना फुल एनर्जी। अमित को कहाँ बैठाओगे? अमित बैठ जाओ वहाँ से, उस साइड से बैठ जा। अभी हम डॉक्टर शैली के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे इसकी टेस्ट की रिपोर्ट शायद आ गई होंगी और वहाँ पे मक्कू को लेके जाना है, वहाँ पे इसको ना नहलवाना भी है। मैं इसको ना साफ़ सुथरा घर ले जाना चाह रहा हूँ, उसके बाल ऐसे गोल 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 हो गए हैं थोड़ा, यहाँ पे वो ड्राई करके ब्लो ड्राई करके वो थोड़ा बालों को सीधा भी कर देंगे ना। मैक्स को यहाँ आते ही ना पता लग जाता है कि यार फिर ले आए मक्कू, आज लास्ट मैक्स आ जाओ नहाने का टाइम हो गया। क्या हुआ? अरे बाप ले, ये तो ब्रेव बॉय है, कुछ कर ही नहीं रहा है, अच्छे से नहा रहा है। तो मेरे को तो लगा छटपट आएगा हल्ला मचाएगा, बड़ा आराम से नहा रहा है भाई। क्या बात, पोल खुल गई टिंगड़ी की, मेरे टिंगड़ी की, मेरा टिंगड़ी बोले टिंगड़ी मेरा है, मैला निकल रहा होगा मैला बिल्कुल। वैसे आने से पहले तो नहाई नहीं करी थी है ना, यहीं आके गंदा हुआ बोल दे, कोई बात नहीं मैक्स साफ होके जाएंगे ना, घर वाले भी खुश होंगे। देखना इतना दुबला लग रहा है बालों से, इतना मोटा मोटा लगता था मक्कू। यहाँ पे मैंने इतने सारे ट्यूबर्स देखे, सब गंजे हो रखे हैं, बाल काटे हुए हैं, पूंछ को ऐसा शेर जैसा बनाया हुआ है। अगर गर्मी लगती है, गर्मी लगती तो इन ब्रीड्स को यहाँ मत पालो ना, यहाँ मक्कू को एक्चुअली यहाँ पे गर्मी लग रही थी जबकि इतना गर्म कुछ हो नहीं रहा। अभी देखो पंखा वंखा भी नहीं चलाया हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर है गुड़गांव में, गर्मियों में तो भगवान जाने क्या ही हाल होता होगा। डर रहा है क्या? रिलैक्स हो जाओ बाबू, डर भी है। भैया बता रहे हैं कि इनको डॉग से उतना डर नहीं लगता जितना बिल्ली से लगता है, बिल्ली इनको कई बार पेल चुकी है क्या? बिल्ली आपको दो तीन बार है? मैक्स इतना अच्छे से नहा रहा है ना कि हमें थोड़ा यकीन सा नहीं हो रहा, घर में तो भागता है बाथरूम के अंदर गोल गोल, यहाँ तो इतने प्यार से देखो क्या मालिश, मजा भी आ रहा होगा ना थोड़ा इसको ब्रश में कैसे मालिश हो रही है, मसाज हो गए हैं। अरे वाह, हेलो, ये कौन है सुंदर लड़की? सुंदर लड़की कौन है? अब तो ना मैक्स को मेरे को लग रहा है मजा आ रहा है, इसको हो रहा बढ़िया मसाज, खूब आराम से करवा रहा भाई, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसके अंदर सॉल्ट है सुकराल फिट, सुकराल फिट में वैसे पिला देता हूं। हां, ये उसका यही कॉम्बिनेशन है सुकराल फिट का। सेकंड ये हिमालय हिमालय नहीं, हिमालय की मेडिसिन है ये, है फीवर के लिए, ये उल्टी के लिए है, मैंने लिख दिया इसमें उल्टी पेन किलर। ये है एम सेट, ये भी है वॉमिट के लिए, एंटी एलर्जिक हेडजीन, एंटीबायोटिक है ये, ये स्पेसिफिक जानवरों के लिए आती है ना, हम इनको इंसानों वाली देते हैं, अब ले रहे हैं तो जानवर वाली ले लेते हैं ना, दो पत्ते रख लेते हैं, बाकी तो ऐसा होता है कि कभी मजबूरी हो जाए तो आ जाती हैं दवाइयाँ, पर ये है SOS इमरजेंसी में यूज होने के लिए ना। सो ये दवाई आती है प्रिपेक्टो के नाम से, ये 2000 रुपये की एक गोली आती है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट ये खिला के ना टिक्स वगैरह नहीं लगते डॉग्स को, 3 महीने कह रहे थे कवर होता है, 3-4 महीने मतलब बरसातों से पहले दे दो क्योंकि भाई टिक फीवर से तो बहुत है, बेटर है ये है ना टिक फीवर होने से तो अच्छा। सो ये मैक्स को ना इंजेक्शन लगने हैं टिक फीवर के, ये लगना है इसके 5 मिनट में ये लगेगा, फिर 14 डेज बाद ये लगेगा, फिर इसके 5 मिनट में ये लगेगा, और अभी ये 2-3 दिन बाद से लगने मतलब एवरी 14 डेज लगते हैं एक्चुअली। तो एक डोज मैक्स को हमने जब आए थे तब लगवा ली थी, अभी 2 और लगनी है। फाइनली दोस्तों यहाँ से छुट्टी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे घर। मारो कूदी, ये गुड बॉय।
दोस्तों फाइनली हम निकल गए हल्द्वानी के लिए। आज तो हमें हल्द्वानी रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी 3 बज गए हैं दिन के और मेरे को ना पिथौरागढ़ पहुंचना कल बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इतना लेट निकल रहे हैं, नहीं तो निकलते नहीं। बट यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है, हल्द्वानी में हमारा घर हमने लिया हुआ है, वहाँ रहेंगे रात को, अगले दिन सुबह पिथौरागढ़ से चलेंगे। फिलहाल काफ़ी लंबा सफर होने वाला है एंड आई एम श्योर मैक्स अब जब आया था ना काफ़ी हालत टाइट थी, अभी तो रिलैक्स है मामला, पहुँच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमें चलते हुए हो गए हैं 2-3 घंटे और जैसा मौसम हमें जाते हुए मिला था ना सेम ऐसा मौसम हमें वापस आते हुए मिल रहा है। बारिश ही बारिश भाई, इतना तगड़ा मौसम हो रहा है, पानी पानी हर जगह, बहुत ही क्रेजी है। मोबाइल में ना बारिश दिखती नहीं है पता बिल्कुल भी, असली में ना काफ़ी ज़्यादा बारिश एक्चुअली हो रही है, बट सही है, मज़ा आ रहा है। मक्कू आराम से लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहे हैं तो सही है। भाई इतना क्रेजी हो रहा है, ये लाइट ना एक्चुअल में फ्लिकर कर रही है पता है, ये ऐसा फ़ोन पे नहीं हो रहा है। आज मत तू अच्छा, हाँ बापू आओ, हाँ मैं सुसु करा देता हूँ ना, ये रुक तो मत तो भागना नहीं। इतना नहला धुला के लाया ना, मेरा मन नहीं था इसको कंधे में उतारने का, पर अब करें क्या, अब हम वैसे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे हल्द्वानी होपफुली। ऐ मल्लू चल सुसु कर। हम ना दोस्तों रामपुर पहुँच गए और इतनी भयानक बारिश हो रही है ना, मेरी 2 चीज़ों से फट रही है। एक तो मक्कू को नहलाया है हमने, बारिश में बाहर निकलते सब ऐसी तैसी ना हो जाए कीचड़ में, बाय गॉड। दूसरा इसका खाना यार पता नहीं, हल्द्वानी में जब हम पहुंचेंगे ना लेट हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई अगर चिकन शॉप वगैरह है तो मैच के लिए चिकन लेने नहीं मिलेगा, तो फिर इसको दही और राइस खिला देंगे। यार सामने ट्रक जा रहे हैं, इसने काले काले कपड़े क्यों लटकाए होंगे, नज़र ना लगे इसलिए, क्योंकि इसने लिखा भी नहीं है बुरी नज़र वाले, तेरा मुँह काला लाडली लिखा है, लाडली हो सकता है नज़र के लिए हो। बस हम पहुंचने वाले हल्द्वानी भाई, इतना टफ हो गया ना गाड़ी चलाना, भाई गॉड अभी बारिश थोड़ी कम हुई है तो चैन मिला है। दोस्तों हम पहुंच गए हल्द्वानी, तुम इतना एक्साइटेड क्यों भाई, आओ मैक्स इतना एक्साइटेड है, हवा चल रही है इतनी तगड़ी और यहाँ पे लाइट नहीं है पता है, हमारा काटा हो गया। मेरे को लग रहा है मैक्स को आज हम खाना भी ना बस चावल ले आए हैं बने हुए, चिकन इसको उबाल नहीं पाए। अरे एक्साइटमेंट, अगर ऐसे ही मौसम रहा ना और लाइट नहीं आई तो इसको ना फिर चावल चावल खिलाने पड़ जाएंगे, बस इसका चिकन वगैरह नहीं उबाल पाएंगे हम। भाई साहब इतना ठंडा हो रहा है ना भाई, कुछ सोच नहीं सकता, हल्द्वानी है ये सो कोल्ड। अच्छा अच्छा दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर में भाई, यहाँ लाइट वाइट है नहीं, अंधेरे में ही है हम लोग तो। अच्छा बहुत मस्ती आ रही है, चलो। तो दोस्तों मक्कू भी सो गया, मक्कू को खाना भी दे दिया हमने, लाइट आ गई थी एंड अब हम खाएंगे खाना, उसके बाद हम भी सो जाएंगे वीडियो एडिट करके जो कि अभी आप देख रहे हो। कल मक्कू मिलेगा गोस्टू से और भाई इतनी एक्साइटमेंट है ना मेरे को इसको गोस्टू से मिलते हुए देखने की, बाल कितने अच्छे हो रहे हैं ना इसके आज नहाने के बाद से। ठीक है दोस्तों उस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मक्कू इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ, कल मिलते हैं मक्कू को गोस्टू के साथ, ओके बाय।